हेलो फ्रेंड, ये देखिए मैं हूँ अनु झा और आपने ट्यून किया है झा न्यू क्रिएशन। मैंने आपको बताया, बोला था कि मैं नेक्स्ट जो है कप्तान कुर्ती का कटिंग करूँगी तो वह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरे पास एक कॉटन की इस तरह की दुपट्टा है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इसके नीचे इस तरह से दोनों ही साइड आगे और पीछे दोनों ही साइड इस तरह के प्रिंट है इसमें। तो इसको मैं कप्तान कुर्ती बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है और मैं आसान वे में आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो बिना मैं कुछ भूमिका बांधे ही मैंने शुरू किया है इसको शुरू बनाना आपके लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड में मैंने लिया हुआ है। अब इसको हम अच्छे से प्रेस करके मैंने डबल फोल्ड में ले लिया है। साइड में चुटर है तो जरी की बॉर्डर होने से क्या हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है इसका, जरी के बॉर्डर रहने की वजह से थोड़ा सा कितना भी प्रेस करो तो ये थोड़ा सा ये रहता है, सिकुड़ा सा दिखता रहता है। लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं है क्योंकि वो साइड में ही जाना है, वहाँ से फिटिंग तो होना नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको डबल फोल्ड से, अब मैं इसको फोर फोल्ड में कर लूँगी पहले, और इसको हम नीचे से बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये निकाल लिया है इसका, और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर भी जो है ना वो हम सेंटर में इसको ये लगा देंगे क्योंकि सेंटर से हमें इसका से लेना है, गले का लेना है इसमें। तो इसको हम सेंटर कर ले का नाप लगा लिए हैं इसका। और ये देखिए नीचे से मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से इसको जो है ना वो बराबर करना पड़ेगा। बराबर नहीं करेंगे तो ये आरा तिरछा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए बिल्कुल ये ऐसे रख के हम लाइन लगा लेंगे, थोड़ी दूर में ही लगा लेंगे जिससे कि हमारा ये जो है ये बिल्कुल ही सीधा हो जाए। ये देखिए मैंने ऐसे लगा दिया है। अब इसकी लेंथ हम देखेंगे कि लेंथ कितनी हमारे पास है आ रही है, मुझे लेंथ कितनी मिल रही है इसकी कप्तान कुर्ती की। वैसे तो फिर दुपट्टे से बना रहे हैं तो दुपट्टा तो जितना बड़ा होगा हम उतना ही बड़ा बना सकते हैं इसको। तो ये देखिए 42 का हो रहा है मुझे आ रहा है, तो ये तैयार मुझे 41 मिलेगा। ठीक है, तो ये तैयार 41 मिलेगा, कोई बात नहीं, तैयार 41 ठीक है चलेगा। तो मैं यहाँ से इसको अच्छे से, वैसे थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन ये फिर डिजाइन ना थोड़ा सा तिरछा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो इसलिए मैं यहाँ से बिल्कुल ही इसको बराबर दूरी में इसको मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अब मैंने नीचे से पूरा बराबर कर लिया है। नीचे से देखिए मैंने इसको बराबर कर लिया है। अब मैं ऊपर की तरफ क्या करूँगी, ऊपर की तरफ जो है वो मिडिल ले लेंगे। मिडिल लेके जो है वो मिडिल लिया, मिडिल से हमने यहाँ 2 इंच का 3 इंच का लगाया। गले का निशान जो है वो ना 3 इंच पे लगाया है मैंने, गले का निशान लगा लिया। ये देखिए लगा रही हूँ मैं गले का निशान, मेरा ये कहाँ चला जाता है। ये देखिए ये मैं 3 इंच पे इसका गले का निशान लगा रही हूँ। पीछे का गला बहुत छोटा देंगे तो पीछे का गला मैं 2 इंच दे रही हूँ। तो जैसे आम गला की शेप करते हैं वैसे हम इसका पीछे का कर लिया। और आगे मैं इसमें भी बनाऊँगी तो भी गले के लिए मैं क्या करूँगी, इसको जो है ना वो मैं 7.5 ले रही हूँ, 7.5 इंच भी गला ले रही हूँ मैं ले रही हूँ। तो भी गला लेने के लिए फिर मैं ऐसे करके इसका जो है लाइन लगा लूँगी, ऐसे अभी ही लगा लूँगी इसका लाइन लगा के। और यहाँ से 1/2 इंच जैसे शोल्डर डाउन करते हैं वैसे 1/2 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। और ये जगह जो है ना हम 9 इंच पे लेंगे क्योंकि कप्तान कुर्ती जो होती है वो थोड़ी सी लूज होती है, तो ये जो है ना वो 9 इंच पे हम लेंगे। 9 इंच ले लिया है, ऊपर डिज़ाइन लगा लिया है हमने। और इधर से भी हम जितना हमारा नाप है ना उससे ज़्यादा ही लेंगे, जितना हमारा नाप है। जैसे कि हम ऐसे लेते हैं तो हम तो इस पे लेते हैं ना 12 इंच पे लेते हैं, ठीक है, ऊपर से 14 इंच लेते हैं, 14 इंच पे हम जो है वो थोड़ा सा अंदर करते हैं तो 9 लिया था जो है वो फिटिंग में आ जाए। ये देखिए यहाँ तक ले लेंगे। और नीचे का पोर्शन आप दूसरे कुर्ती से भी देख सकती हैं, जैसे कि आप दूसरे कप्तान से भी देख के कर सकते हैं कि हम उसमें कितना हमने छोड़ा है और वो मुझे फिटिंग आया है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उस इसको देखिए लास्ट में हमने सिलाई यहाँ पे जो है ना वो इधर जो है वो नाप तक इतने पे लेके छोड़ दिया है। ये देखिए मैं देख लेती हूँ एक बार क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। ये देखिए 22 इंच पे हमने लास्ट का ये लगाया है, तो ये 22 इंच ले लेंगे हम यहाँ से, 22 इंच ले लेंगे यहाँ से हम। तो 22 इंच पे या 23 इंच पे आप जो है ऐसे ले लीजिए। और ये फिर जो है ना वो थोड़ा सा लूज देंगे, यहाँ जैसे 10 दिया है तो यहाँ पे हम 11 देंगे, ठीक है, जिससे कि यहाँ का पोर्शन हिप पोर्शन में हमें थोड़ा सा भी मतलब टाइट ना हो, ये ना लगे मुझे। तो इस अब हम सारे निशान को इसको मिला लेंगे, इसको जो है ना वो हम ऐसे मिला लेंगे
ठीक है। और आपको जितना लूज रखना है, यदि कप्तान कुर्ती आप लूज भी बना लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कप्तान तो लूज भी चलता है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको पूरा ही ए शेप में ही बना सकते हैं, और चाहें आप तो इसको जो है हल्का सा गोलाई देते हुए मैं इसे इसका निशान लगा लूँगी। बस सिलाई इतने ही मुझे करने हैं, इसको जो है ना वो दोनों साइड से मुझे इतने ही सिलाई करने हैं। तो ये मुझे पीछे भी इसी तरह सिलाई लगाने हैं, ठीक है। तो पीछे का सिलाई लगाने के लिए फिर मुझे इसको जो है ना वो ये करना पड़ रहा है। तो देखिए मैं इससे थोड़ा सा इस तरह से लगा लेती हूँ, इधर से मैंने लगा लिया यहाँ पे, और इसको जो है वो पलट के फिर सारे साइड से ऐसे ही मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ से ऐसे राउंड शेप देते हुए हल्का सा इसका सीधा निशान मिला लेंगे। बस हो गया, ये कप्तान कुर्ती की कटिंग बस इतनी ही होती है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत ही इजी है। और मैं इसको आपको बस जो भी है इसका बस नेक बनाना है, थोड़ा सा नेक बनाना है, और नीचे से मुझे इसको जो है वो ये देना है। तो ये मैंने हाथ इसको जो किया है ना, मैं उसको कटिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए इसको जो है वो गले का मैंने शेप दे दिया है। गले का एक बार मैं फिर से डाल देती हूँ, आपको शायद दिख जाए। ये देखिए गले का ऐसे गोलाई लेते हुए मैंने शेप डाल दिया है। तो ये गले का लेकिन थोड़ा इंच डाउन लेते हुए, यहाँ से मैं हाफ इंच डाउन लेते हुए दोनों पोर्शन को अलग कर लेती हूँ। अब ये डाउन नहीं लेने से ना ये खुला खुला अच्छा नहीं लगने लगता है, इस वजह से इसको डाउन लेना बहुत ज़रूरी है। तो डाउन ज़रूर लीजिएगा, बिना डाउन के नहीं हो पाएगा, ये अच्छा शेप नहीं आ पाएगा। तो इसको आप डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, और डाउन करके इसको जो है वो एक सिलाई स्टिचिंग मार लगा लीजिएगा। तो इससे इसका शेप आपका कप्तान कुर्ती का ना नीचे की तरफ लटका हुआ सा बाजू के पास आपका आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको डाउन कर ले लिया है, अब ये दो पोर्शन अलग हो गया मेरा, ठीक है। तो अब ये दो पोर्शन अलग हो गया, अब दोनों पोर्शन को हम क्या करेंगे, अब नेक की कटिंग करनी है और नेक बनानी है। नेक बनाने के लिए मेरे पास कपड़ा तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इस कलर का कपड़ा कहाँ मतलब है नहीं है इसके, तो मैं इसी का जोड़ तोड़ करूँगी, ठीक है। तो इसी ये जो पट्टी बचा है मैं इसी पट्टी से इसको गले को बनाने की कोशिश करूँगी, कि देखती हूँ इससे गला बन जाए। इसमें तो निकला नहीं, ये बहुत ही तिरछा था, देखिए कितना तिरछा था, ये निकला ही नहीं सही से। तो इसका जो है वो है, तो इससे मैं गला को बनाने की कोशिश करूँगी। अब मैं इसका जो है वो दोनों पोर्शन को मैं अलग कर ले लूँगी इसको, या गोल गला को मैं कटिंग कर ले, पीछे के गले को, पीछे का गला जो है ना वो दो इसका दो ये है, तो पीछे के गले को जो है वो कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए पीछे के गले को मैंने कटिंग कर लिया, और आगे के गले को भी कटिंग करना है, तो आगे के गले को भी कटिंग, और आगे के गले के लिए मैं इसमें से इसको भी कट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको कर दिया है, भी कटिंग कर लिया। अब मैं आपको इसका स्टिचिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसका स्टिचिंग दिखाती हूँ आपको, इसमें स्टिचिंग में भी कोई खास नहीं है, मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए वैसे तो मैं टेबल पर बैठ के करती हूँ, लेकिन दिखाने के लिए ना इसमें बैठ के नहीं हो पा रहा है, टेबल से नहीं हो सही बैठ रहा था, तो इसलिए मैंने इसे ही नीचे ही बैठ के करना ठीक समझा इसको। तो नीचे थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, चाहिए मैंने ये कर दिया था। ऐसे करके करते हुए मैंने इसको भी गला को तैयार कर लिया है, पीछे से पट्टी लगा के इसको मैंने तैयार कर लिया है। और मेरे पास कुछ ये लेस पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसके गले पे मैं ये लेस भी लगा दूँ। तो मैं अभी ये लेस इस गले पे लगाने की लगा रही हूँ। ये देखिए मैं इसको
बस कुछ नहीं करना, बहुत पतली सी लेस है तो ये लेस जो है वो आसानी से लग जाती है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस लेस को इस पर लगा दो तो थोड़ा सा ना लुक आ जाएगा कप्तान का, तो इस वजह से मैं इस पर लगा रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ी सी तो यहाँ पर मुझे बैठ के मैं करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये देखिए फ्रेंड ये मैंने बना लिया है, इसका नेक जो है ना वो मैंने तैयार कर लिया है, इस तरह से पट्टी डाल के, इसको अंदर से पट्टी डाल के इस तरह से हमने इसका नेक तैयार कर लिया है। ये देखिए नेक इसका तैयार हो गया है। अब इसमें नेक में मैं ना पहले ये सोच रही थी लगाऊंगी, लेकिन ये लगाने से सिर्फ आगे ही लग रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाले लेस लगा देती हूँ थोड़े से, तो अलग से लेस हो जाएंगे थोड़े, ये इस तरह के लेस लगा देती हूँ इसमें, तो मैं अब इसमें लेस लगाने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ ये मशीन से लग पाता है या फिर हाथ से ही लगाना पड़ेगा, पता नहीं, तो एक बार देख के बताती हूँ मैं आपको। ये वाला तो लग जाएगा, तो फिर मैं आपको लेस लगा के दिखाती हूँ। का गला तैयार हो गया है, तो गला तैयार होके मैं अब इसके शोल्डर के सिलाई कर रही हूँ, तो शोल्डर वाली सिलाई की कर रही हूँ मैं इसकी। बस शोल्डर वाली सिलाई करने के बाद नीचे की जो है वो फोल्ड कर लूंगी, डबल फोल्ड कर लूंगी। यहाँ साइड में पक्का कर लें इसको। फ्रेंड अब ये मैं नीचे का नीचे जो है ना नीचे वाले की सिलाई लगा रही हूँ, ये नीचे जो खुला पोर्शन था जिसको मैंने काटा था ना उसमें मैंने सिलाई लगा रही हूँ, एक साइड को लगा लिया है, दूसरी साइड में लगा रही हूँ इसको सिलाई, और इसके बाद बस फिटिंग के दूंगी, फिटिंग वाले सिलाई दूंगी इसमें। थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करूंगी। ये देखिए मेरे गले गला भी तैयार हो गया है, ये देखिए गले का भी मैंने तैयार कर लिया है, दोनों साइड ही मैंने भी गला ही कर दिया इसका, भी ही करके फिर मैंने बनाया, मुझे अच्छा लगने लगा गला डाल के, तो मैंने सोचा चलो भी ही कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे लगाई हुई हूँ इसका फिटिंग का नाप लगा, ये निशान लगाया था मैंने कहीं, लगाना दिखा दिया था कि कहाँ से लगाएंगे और क्या लगाएंगे, तो मैंने दिखा दिया था, तो वो मैं करके आपको फिर से दिखाती हूँ, कहीं तो होगा वो नाप कहीं चला गया था, तो मैंने फिर से लगा लिया है फिटिंग का माप। और इसको फिटिंग का माप जो है ना वो सीधी साइड से ही लगाया जाता है और सीधी साइड से ही इसको स्टिच किया जाता है, ये उल्टे साइड से नहीं करते हैं, तो इसको ऐसे करके धागे को खोल के हम कर लेंगे, और यहाँ से जो है वो आर्म होल के बाद से, आर्म होल के बाद से हमने हमें इसमें फिटिंग का कपड़ा बिल्कुल सीधा कर रखना है, कपड़ा बिल्कुल ही ऐसे नहीं, मतलब ये रखना है कि कपड़ा टेढ़ा ना हो, यहाँ हमारा ये है तो इसको बिल्कुल ही अपना हो, तो आप पिन लगा लें इसमें, पिन लगाते हुए तो चाहें तो इसको पूरा ही सिल सकते हैं, लेकिन मैं पूरा नहीं सिल रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोड़ रही हूँ नीचे से, जैसे चाक खुला छोड़ते हैं ना वैसे मैं छोड़ रही हूँ इसको भी। देखिए बस एक साइड का हो गया, थोड़ा सा जितना टाइम लगता है इसमें नेक बनाने में ही थोड़ा सा लग जाता है, नेक बन गया, यदि आपको आसान से नेक बना लिया तो फिर आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको बनाने में। इस साइड का लग गया है, धागा वगैरह एक्स्ट्रा है, थोड़ी फिनिशिंग करनी पड़ेगी, धागा कपड़ा ये सब जितना भी एक्स्ट्रा है पीछे साइड से पलट के मैं ये सब, तो ये है और शायद बॉबिन के ऐसे ही, फिर देखिए दूसरे साइड से भी मैंने लगाया हुआ है निशान,
यहाँ साइड में पक्का कर लेंगे जिससे कि हमारा ये फूले ना। अब इसके थोड़ी सी फिनिशिंग करके और प्रेस करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसको फिनिशिंग करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। वैसे तो देखिए मेरा ये गला जो है वो इस तरह से गला तैयार हो गया है। ये देखिए गला तैयार किया मैंने, दोनों ही साइड मैंने बराबर ही गला दिया और ये इस तरह से तैयार हुआ है। एक बार मैं बिछा के आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मेरा ये कप्तान तैयार हो गया है। ये देखिए इधर से भी सीधा कर दूँ, इधर से भी मैं सीधा कर दूँ तो ये देखिए, और प्रेस करूँगी तो थोड़ी सी सीधी हो जाएगी। ये कपड़े थोड़ा से चढ़ जाते हैं तो इस तरह से देखिए ये मेरा पूरा ही कप्तान तैयार हो गया है। मैं अब आपको ट्राई ऑन में दिखाऊंगी इसको, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।